सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई आपका भाई लेकर के आ चुका है TVS कंपनी का, जो कि है भाई RTR 160cc का। इसका करने हैं भाई 1 लीटर का माइलेज टेस्ट। देखते हैं भाई 1 लीटर में ये कितनी दूर जाती है। सो गाइस, सबसे पहला टास्क है कि इस गाड़ी में भाई थोड़ा बहुत तेल है, इसको करना है ख़त्म। ये भाई वीडियो जो भी मिलने वाली है आपको पूरा पूरी हाईवे पे मिलने वाली है। देख सकते हैं भाई हाईवे पे आए हैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने के लिए, तो निकलते हैं गाइस। सबसे पहले भाई थोड़ा बहुत तेल है, इसको करते हैं भाई ख़त्म। ये भाई बहुत बड़ी टास्क है। मेरे स्टार्ट देख रहे हैं भाई, तो भाई रोकते हैं थोड़ा सा गाड़ी को। भाई ऐसा जगह रुक गए नहीं यार, क्या बताए। देख लो भाई, थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। नहीं भाई छोड़ो भाई, ज़्यादा नहीं करते हैं, कहे भाई FI सिस्टम है, अगर ख़राब हो गया तो भाई लंबा पैसा भरना पड़ेगा। सो गाइस, अब भाई इसमें डालते हैं 1 लीटर तेल, जो कि भाई मेरा बैग में रखा हुआ है। FI इंजन में भाई कम से कम भाई 2 से 2.5 लीटर तेल अनिवार्य है रखना, क्योंकि भाई तेल रखो, यदि कुछ इधर उधर FI सिस्टम हो गया ख़राब तो भाई पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से देख लो भाई, ये 1 लीटर तेल इसको डाल देंगे अपन टंकी में। ये ले आओ भाई टंकी में। चले जाओ भाई टंकी में। यस, अब भाई एक्चुअली माइलेज मिलेगा गाड़ी की। ओ, 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 भाई ये क्या हो गया, इसको लगा लेते हैं। आपको दिखा देते हैं भाई ट्रिप ए इसको करेंगे भाई 0। ये लो भाई 0, और टोटल भाई ट्रिप बी को छोड़ो ODB भाई देख लेते हैं। ODB भाई देख लो 3613 किलोमीटर तक चला है गाड़ी अभी तक, जब से गाड़ी लिया गया है। तो भाई ट्रिप पे देखते हैं, यहाँ पे 0 हो गया है देख सकते हैं भाई, क्योंकि भाई ये चीज़ करने के लिए भाई NS का माइलेज टेस्ट का वीडियो में करने के लिए हम मतलब दिमाग में नहीं रहा, भूल गए थे, कुछ ऐसा चीज़ हो गया था मेरे साथ, अपनी वजह से नहीं रहा। तो भाई एक सेल्फ में होगा स्टार्ट, या यही तो है भाई FI। चलो अब करते हैं भाई पूरा पूरी 1 लीटर का माइलेज टेस्ट, क्योंकि भाई माइलेज टेस्ट तो भाई पूरा स्पीड में नहीं करेंगे, पूरा एकदम बेसिक वाइज गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। जैसे कि भाई माइलेज टेस्ट होता है, सभी लोग करते हैं भाई, इसीलिए हम भी कर रहे हैं, क्या पता आप लोग को कुछ न कुछ मेरा वीडियो काम आ जाए कभी। तो भाई बैकअप तेल, हाँ बैकअप तेल भाई सबसे पहले लेना है हमको। बैकअप तेल नहीं है भाई मेरे पास में, एक ही बोतल था तो डाल दिया। या पेट्रोल, हाँ अभी तक भाई 9 पॉइंट मतलब 10 किलोमीटर दूर चलने वाली है। अब गाड़ी एकदम पूरा एकदम मस्त चल रहा है भाई, एकदम कोई भी इशू नहीं आ रहा है। जो होता है कि भाई मतलब पहले का जो गाड़ी था BS3 BS4 उसमें भाई वाइब्रेशन था, वाह क्या ही मसाज होता था भाई इसमें, लेकिन भाई एक ज़रा मतलब उस चीज़ से भाई इसमें मतलब 50% ऑलमोस्ट 70-80%, अरे यार रोड ख़राब बहुत है, ऑलमोस्ट 70-80% भाई वाइब्रेशन पूरा ख़त्म कर दिया बाइक में। एकदम ब्रेक सिस्टम तो भाई एक नंबर लगा इसका हमको, लेकिन भाई कृपया करके भाई आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ये नहीं कि भाई माइलेज इसका वीडियो डालें, कहे कि भाई पिछले बार मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तो आप लोग क्या किए, कुछ लोग मतलब क्या किए कि जहाँ से वीडियो का मेन पॉइंट था भाई वहाँ से देख लिया भाई 3-4 सेकंड, लगभग 3-4 सेकंड नहीं वही 50 सेकंड के आसपास छोड़ दिया भाई।
ये चीज़ भाई बिल्कुल गलत है भाई। आप लोग के लिए ऐसा कुछ इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, देख सकते हो कौन फैक्ट्री है रे या पता नहीं भाई, लग तो रहा है ये चावल तावल की फैक्ट्री है। उधर से भाई इधर है, उधर क्या दिख रहा है? तो भाई देखिए भाई, आप लोग से बात करते करते 11.6 किलोमीटर चल चुकी है अभी। फाइनली मेरी गाड़ी अभी 27.8 किलोमीटर दूर चल चुका है। अभी तक गाड़ी में भाई कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है कि मतलब धुकधुका है ये वो, मतलब नॉर्मल चल रही है, एकदम जिस तरह चल रही है वैसे चल रही है। कल भी फ़ोटो ले लिए थे, उसके बाद निकल भी गए थे, तो ऑलमोस्ट भाई 35 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अब देखते हैं भाई, कह के अब आ गया भाई रियल माइलेज टेस्ट निकलने का टाइम। ये भाई TVS कंपनी के अपाची 160 वाकई में कितनी माइलेज देती है 1 लीटर में। यस, ये धुकधुका रही है। या अब भाई लगता है टाइम आ गया है फाइनली गाड़ी में तेल ख़त्म होने का। यस, 30 का माइलेज भाई लगता है होगा स्टार्ट, कहीं हो जाए। चलेगा गाड़ी भाई हमको लगता है थोड़ा बहुत अभी, और कहेंगे भाई जब आ रहे थे तेल ख़त्म कर रहे थे इसी तरीके से भाई गाड़ी कर रही थी, बंद हो रहा था तो फिर स्टार्ट हो रहा था, लगता है चलेगी। अभी तो भाई ठीक लग रहा है, चल रही है। तो भी भाई गड़बड़ लग रहा था जब तेल ख़त्म कर रहे थे गाड़ी का टंकी से। फाइनली भाई 40 का माइलेज दे चुका है भाई, 40 भी टप गया, 40 भी भाई टप गया है माइलेज, देख सकते हो भाई। ये देखो भाई, दिख रहा है पड़ रहा है, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो भाई 40 भी टप गया है फाइनली। अब देखते हैं भाई कितना दूर जाती है। हाँ भाई मज़ा आ रहा है करने में, जो भी बोल दो। TVS वाले बोलते हैं कि 45 का माइलेज देती है। देखो भाई फाइनली बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई, एक बार और करते हैं स्टार्ट करने की कोशिश। नहीं सो गाइस, आप देख सकते हैं भाई 43 का माइलेज गाड़ी दिया है, पूरा एकदम एक्चुअल वीडियो निकाले हैं, एकदम एक्चुअल माइलेज निकाले हैं, पूरा एकदम एक्चुअल माइलेज, एकदम जिसको कहता है माइलेज टेस्ट का वीडियो, वो पूरा एकदम सारा कुछ डेफिनेशन मतलब सारा कुछ करके इसका गाड़ी का माइलेज टेस्ट निकला है। तो बोल दो 43.4 का देख सकते हैं भाई, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है स्टार्ट। सो देखो भाई थोड़ा सा भी नहीं हो रहा स्टार्ट, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा स्टार्ट, लगता उस गाड़ी का भाई का गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया। दे दे तेल, क्या दे देना चाहिए, थोड़ा सा तेल ख़त्म हो गया। तो मेरे पास है तेल, मेरे पास तेल है, माइलेज टेस्ट कर रहे थे। हाँ माइलेज टेस्ट का वीडियो बना रहे थे। यूट्यूब पे डालते हैं, हो रहा है रिकॉर्ड, आधा लीटर इसको दे दीजिए भैया पैसा। ले बेटा किस्मत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माइलेज चेक कर रहे थे, नया गाड़ी है। लो भाई डाल लो, हो रहा है रिकॉर्ड सारा, जो सब चीज हो रहा है सारा कुछ हो रहा है रिकॉर्ड, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं बेइज्जती वाला बात क्या है, ऐसा कुछ बात नहीं है, हो जाता है सबसे, सबसे हो जाता है खत्म। हमसे भी बहुत बार हुआ है, हमसे भी बहुत बार हुआ है। चैनल का नाम है आर्यन जसवाल 01। हाँ हम मतलब स्टार्टिंग है मेरा, हाँ स्टार्टिंग है ना, क्या बोले स्टार्ट आर्यन जसवाल 01। एक मिनट लाइए कर देते हैं हम। आपका घर कहाँ यहीं हुआ? कौन मेरा घर पूर्णिया हुआ। हाँ हाँ नहीं नहीं पैसा क्या करेंगे लेकर के, बस को इस तरीके से कोई मिलेगा ठीक है भैया, इस तरीके से कोई मिलेगा तो थोड़ा सा रुक जाइएगा।
सो गाइस आपको पता चल गया कि इस वीडियो में भाई माइलेज टेस्ट कर रहे थे, जो कि भाई टीवीएस की अपाची 160 43.4 की माइलेज निकाला है गाड़ी विथ मतलब इको मोड में चलाएं गाड़ी का पूरा एकदम कुछ भी ओवर स्पीडिंग नहीं किए हैं, जो 43.4 का माइलेज दिया है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।